ये आप हनी और नमक में प्रतीका जोशी जी बताने जा रही हैं जी। तो हनी में बेसिकली हम लोग शक्कर का घोल मिलाते हैं उसका, ताकि उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाए, पर शक्कर बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो हम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमने हल्का सा शहद लिया, नॉर्मल पानी लिया, और पानी में उसको जब डालेंगे तो वो पूरे में फैल जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं शहद। और दूसरा जब हम शहद लेंगे जिसमें शक्कर मिक्स नहीं है, उसको जब हम पानी में डालेंगे तो वो पानी में मिक्स नहीं होगा, वो आपस में नीचे बैठ जाएगा। इससे हमें पता चल जाता है कि इस वाले में शक्कर नहीं मिलाई गई और इस वाले में शक्कर मिलाई गई है। ऐसे ही नमक का है, नमक काफ़ी सिंपल सा टेस्ट होता है। अगर आप जो भी आपका नमक है उसको पानी में डिजोल्व कर लीजिए। नमक में भी एडल्ट्रेशन होता है? जी बिल्कुल होता है। बड़ा ताजू वाली जब नमक को आप पानी में घोल लेंगे, अगर नमक प्योर होगा तो पूरी तरह घुल जाएगा, उसमें नीचे कुछ नहीं बचेगा, जब नमक घुल जाता है और वो ट्रांसपेरेंट पानी रहेगा। पर अगर उसमें चौक का एडल्ट्रेशन ना, उसमें चौक मिला दी गई, ये कोई गंदगी है, तो वो सब ऊपर आ जाएगी और चौक नीचे बैठ जाएगी सर। और पानी भी देखिए थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती हैं, ताकि कम पैसों में ज़्यादा चीज़ें इनको आप जो है दे सकते, कर सकें ज़्यादा। सॉरी, ये भी नहीं हो पूरा, वो तो नमक है, वो तो नमक है।